हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो सबसे पहले बच्चों देखें, दो दिन आपको मैं क्लासें प्रोवाइड नहीं करा चुका बच्चों, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि ऑफिस कार्यों के कारण मैं थोड़ा बिजी था बच्चों। आज अपन स्टार्ट करें बच्चों नया टॉपिक डीसी मशीन आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में बात करें बच्चों। तो आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में बच्चों अपन कंप्लीट डिटेल पढ़ने वाले हैं इस पार्ट में बच्चों। देखें इस पार्ट और नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि आपके पास आर्मेचर वाइंडिंग दो टाइप के बच्चों, एक लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। तो अपन बात करेंगे बच्चों लैप और वेव वाइंडिंग के कंप्लीट डिटेल के बारे में और जो वाइंडिंग से आपकी जो शब्दावली है बच्चों, ठीक है, टर्मोलॉजी जो यूज़ करते हैं अपन आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए बात करेंगे बच्चों, देखें आर्मेचर वाइंडिंग से अगर आपका प्रकार पूछा जाता है बच्चों कि आर्मेचर वाइंडिंग आपके ओपन टाइप होती है या क्लोज प्रकार की होती है, बंद प्रकार की होती है, तो सबसे पहले अपने पास इस बात का आंसर होगा कि आपका जो आर्मेचर वाइंडिंग है बच्चों वो होती है क्लोज प्रकार की। जितने भी आपके पास कुंडलियाँ हैं बच्चों, उनके सिरे आपके क्या होते हैं कम्यूटेटर से क्या होते हैं बच्चों, बंद परिपथ का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें बच्चों देखें कि जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसके बारे में बात करें बच्चों, देखें डीसी आर्मेचर वाइंडिंग यदि आपके पास प्रकार पूछा जाता है बच्चों तो ये क्लोज प्रकार की होती है, नहीं बंद प्रकार की होती। तो साथ के साथ आप नोट करते चले जाएंगे बच्चों, साथ के साथ मैं आपको समझाता चले जाएंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, यह आपकी जो वाइंडिंग होती है यह बंद वाइंडिंग होती है, यानी क्लोज वाइंडिंग होती है, क्लोज वाइंडिंग होती है। ठीक है बच्चों, अब क्लोज वाइंडिंग इसलिए होती है क्योंकि इसमें जो कुंडलियों के सिरे होते हैं बच्चों वो कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़कर बंद परिपथ का निर्माण करते हैं, जिसमें कुंडलियों के सिरे कम्यूटेटर से जुड़कर बंद परिपथ का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास है बच्चों कि आपके पास जो आर्मेचर वाइंडिंग है बच्चों वो अपने पास क्लोज वाइंडिंग है, यानी बंद प्रकार के वाइंडिंग है, जिसमें कुंडलियों के सिरे कम्यूटेटर से जुड़कर बंद परिपथ का निर्माण करते हैं। अब देखिए बच्चों, अपन बात करने जा रहे हैं जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसकी शब्दावली के बारे में, कौन कौन से अपन जो शब्द अपन इसके लिए यूज करते हैं या काम में लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें बच्चों देखें कि अगर अपन वाइंडिंग की बात करें बच्चों तो सबसे छोटी इकाई अपने पास क्या है बच्चों, चालक। अगर आपसे पूछा जाए ये चालक क्या है बच्चों, तो चालक वह है ठीक बच्चों, एक निश्चित लंबाई का या तार का वह टुकड़ा है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर आपके पास क्या बच्चों, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो अपन बात करें बच्चों आर्मेचर वाइंडिंग से जुड़ी शब्दावली के बारे में, तो सबसे पहले अपन बात करें बच्चों चालक के बारे में। आर्मेचर वाइंडिंग से, क्योंकि आपको शब्दावली के बारे में पता होगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे बच्चों, आर्मेचर वाइंडिंग से संबंधित शब्दावली क्या क्या अपन इसमें वर्ड काम में लेने जा रहे हैं बच्चों आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करें बच्चों चालक क्या है। अगर वाइंडिंग में आपसे पूछा जाता है चालक क्या है बच्चों, तो चालक वह है बच्चों जिसकी लंबाई निश्चित है और जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर विद्युत वाहक उत्पन्न होता है। तो लिखें बच्चों, तार की वह लंबाई, जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर EMF उत्पन्न होता है, यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है च
चालक कहलाता है, चालक कहलाता है। तो चालक की परिभाषा अपने पास यहां से आगे बच्चों देखें तो तार की वह लंबाई जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर आपके पास विद्युत वाहक बल पैदा हो जाए बच्चों, ईएमएफ पैदा हो जाए, वो अपने पास क्या कहलाए बच्चों, चालक। अब देखिए बच्चों चालक से अपन बढ़ाएंगे बच्चों टर्न जिसे अपन बोलते हैं घेरा। तो पहला अपन पढ़ चुके हैं बच्चों चालक के बारे में, ठीक है बच्चों। अब अपन देखें बच्चों चालक से बनाने जा रहे हैं बच्चों टर्न जिसे अपन बोलेंगे बच्चों घेरा। अब बात करें देखिए बच्चों टर्न क्या है आपके पास, टर्न और हिंदी में अपन बोलेंगे बच्चों इसको घेरा। अब देखिए बच्चों टर्न का निर्माण होगा बच्चों दो चालकों से, टर्न का निर्माण होगा दो चालकों से। अब देखिए बच्चों यदि अपन ये दो चालक है बच्चों, देखिए ये मेरे पास दो चालक हैं। अब ये जो दो चालक है बच्चों इनको मैं स्लोट्स में रखूंगा बच्चों चुंबकीय क्षेत्र में। अब देखिए बच्चों यदि मैं इन दो चालकों को इस प्रकार संयोजित करता हूँ जो कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए, ये दो चालक थे बच्चों इनको मैंने इस भुजा इस चालक के द्वारा क्या कर दिया, संयोजित कर दिया और संयोजित किया मैंने श्रेणी में। अब देखिए बच्चों जब मैं दो चालकों को इस प्रकार संयोजित करता हूँ तो वे श्रेणी में संयोजित हो जाएं और जो इनमें वोल्टेज पैदा होगी बच्चों वो दोनों जो चालकों में इस चालक में और इस चालक में जो वोल्टेज पैदा होगी बच्चों या तो एक दिशा में होगी या दोनों क्या हो बच्चों जुड़ जाए। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है बच्चों तो ये आपके पास क्या कहलाता है, टर्न कहलाता है। तो दूसरी परिभाषा पर बात करें बच्चों टर्न की, आपको समझ में आ गया बच्चों देखें यदि यदि चुंबकीय क्षेत्र के बीच यदि चुंबकीय क्षेत्र के बीच यदि चुंबकीय क्षेत्र के बीच रखे गए चालकों को इस प्रकार श्रेणी में संयोजित किया जाए किया जाए कि इनमें उत्पन्न ईएमएफ या विद्युत वाहक बल बच्चों एक ही दिशा में हो या कुल ईएमएफ दोगुना हो जाए, कुल ईएमएफ दोगुना हो जाए यानी दुगुना हो जाए, टर्न कहलाता है। तो अगर अपन बात करें तो घेरे की या टर्न की बात करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में के बीच रखे गए दो चालकों को इस प्रकार श्रेणी में संयोजित करें बच्चों कि इनमें जो उत्पन्न वोल्टेज होगी प्रत्येक चालक में वो एक ही दिशा में हो, और अगर अपन को कुल जोड़े इनका टोटल करें बच्चों तो वो अपने पास क्या हो जाए बच्चों, दुगुना हो जाए। अब देखिए बच्चों अगर अपन चालक की बात करें, चालक को अपन दिखाते हैं बच्चों जेड से और टर्न को अपन दिखाते हैं बच्चों टी से। तो अगर अपन बात करें बच्चों देखें इन दोनों में क्या संबंध है बच्चों, देखें तो अगर अपन बात करते हैं बच्चों चालक और टर्न के बीच में संबंध की बात करेंगे तो आपके जो टर्न होंगे बच्चों वो चालकों से क्या होंगे बच्चों, आधे होंगे। यानी आपके पास जितने चालक हैं बच्चों अगर आप उसको दो से भाग दे देंगे तो आपके पास टर्न प्राप्त हो जाएंगे, और यदि आप टर्न को दो से गुणा कर देंगे बच्चों तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएंगे बच्चों, चालक प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अपने पास टर्न की बात तो टी बराबर अपने पास क्या बच्चों, जेड बटा में दो, जेड बराबर अपने पास क्या बच्चों, चालक हैं और टी बराबर अपने पास के घेरों की संख्या। तो जितने भी चालक हैं बच्चों यदि आप उनको ठीक बच्चों दो से भाग दे देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएंगे बच्चों, टर्न्स प्राप्त हो जाएंगे बच्चों। तो कृपया पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए बच्चों, आप ठीक बच्चों तो अपन
चालक के बारे में बात करने चुके जो है, फिर अपन बात करने चुके बच्चों टर्न के बारे में। अब अपन बात करें बच्चों कोइल के बारे में, और कोइल के बाद अपन बात करें बच्चों वाइंडिंग के बारे में। तो नोट कर लिया बच्चों आपने, बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों ये, और कई बच्चों को बहुत दिक्कत आती है जबकि बहुत आसान टॉपिक है, और आप इसे आसानी से कर सकते हैं बच्चों देखें, और परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो घबराने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है बच्चों, आप आसानी से कर सकते हैं इसे। अब अपन बात करें बच्चों देखें चालक के बारे में बात कर चुके हैं बच्चों टर्न की बात, अब अपन बात करें बच्चों कोइल के बारे में। कोइल के बारे में, अपने पास कोइल क्या है बच्चों देखें, ठीक बच्चों। अब देखें बच्चों मैंने आपको बताया था देखिए कि ये अपने पास क्या बच्चों देखें टर्न है, ठीक बच्चों ये अपने पास क्या है टर्न, ठीक बच्चों। अब देखें बच्चों अगर कोइल की बात करें बच्चों देखें, यदि अपन ये अपने पास टर्न हो बच्चों, यदि एक से अधिक टर्न श्रेणी में संयोजित कर दिए जाएं तो इसे अपन क्या बोलेंगे बच्चों कोइल। अब देखें बच्चों अगर मैं यहां तक बात करता हूं बच्चों देखें तो ये मेरे पास क्या है टर्न है, अगर मुझे इसे कोइल बनाना बच्चों देखें, तो कोइल बनाना बच्चों तो मेरे को एक से अधिक टर्न को क्या करना पड़ेगा श्रेणी में संयोजित करना होगा। तो देखें बच्चों ये इसका स्टार्टिंग एंड था बच्चों, ये इसका फिनिश एंड था, दूसरे सिरे को मैंने जोड़ना स्टार्ट कर दिया बच्चों देखें इस प्रकार, अब देखिए बच्चों मैंने दो टर्न जोड़ दी और दोनों टर्न किस में जुड़े बच्चों आपके श्रेणी में, तो ये जो अपने पास बोले बच्चों इसे अपन बोले कोइल। अब ये अपने पास टर्न नहीं बच्चों, ये बन गई अपने पास है कोइल। अब देखिए बच्चों जो कोइल के सिरे होंगे ये लीड बोलते हैं बच्चों, जो कोइल के लीड होंगे बच्चों वो निकटतम सेगमेंट से क्या होंगे बच्चों संयोजित होंगी। ये स्टार्टिंग एंड था बच्चों, ये अपने पास क्या हो बच्चों फिनिश एंड हो, ये कोइल की साइड होगी बच्चों, ये अपने पास क्या है कोइल की साइड, और जो साइड आपकी स्लोट में रहेगी ये वाली क्या बच्चों स्लोट में रहने, ये साइड होगी ये साइड होगी ये साइड होगी ये साइड होगी, ये आपकी क्या रहने वाली बच्चों स्लोट में रहने वाली, और जो स्लोट में रहेगी बच्चों उसे बोलेंगे एक्टिव साइड। और देखें बच्चों ये ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग है, ये वाला भाग है, ये आपका स्लोट में नहीं रहने वाला है, तो इन्हें बोलेंगे अपन बच्चों एक्टिव, इन्हें बोलेंगे अपन इनएक्टिव साइड या पैसिव साइड। ये जो वाला भाग है बच्चों ये भाग है, ये आपके स्लोट में नहीं रहने वाले, तो ये अपने पास क्या बच्चों इसे बोलते हैं अपन इनएक्टिव साइड, इनएक्टिव साइड, और ये अपने पास क्या बच्चों एक्टिव साइड, जो अपने पास क्या रहेगी स्लोट में रहेगी। अब ये अपने पास क्या बन गई बच्चों कोइल बन गई। तो अब अपन बात करें बच्चों कोइल के बारे में, आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो बच्चों देखें इसके बारे में। तो नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों देखें कोइल के बारे में, यदि एक से अधिक, यदि एक से अधिक टर्न्स को श्रेणी में संयोजित किया जाए, यदि एक से अधिक टर्न्स को श्रेणी में संयोजित किया जाए किए जाए तथा इनके अंतिम सिरे, इनके अंतिम सिरे इसके दोनों लिख लें बच्चों, इसके दोनों अंतिम सिरे यानी स्टार्टिंग एंड और फिनिश एंड बच्चों निकटतम सेगमेंट निकटतम कम्यूटेटर सेगमेंट से संयोजित हों, से संयोजित हों तो इसे कोइल कहा जाता है,
तो आप अंतर पता कर पा रहे हो जो देखें कि टर्न क्या है और कोइल क्या है। बच्चों यदि अपन एक से अधिक टर्न्स को श्रेणी में संयोजित कर दिया जाए तथा इसके दोनों अंतिम से निकटतम कम्यूटेटर सेगमेंट से संयोजित हों तो इसे कोइल कहते हैं। अब देखिए बच्चों अगर अपन बात करते हैं बच्चों कोइल के बारे में, ठीक है बच्चों, तो अपने पास क्या बच्चों कोइल में अपने पास क्या बच्चों एक इसकी एक्टिव साइड होगी, एक अपने पास क्या बच्चों इनएक्टिव साइड होगी या पैसिव साइड होगी। बच्चों देखें तो अब अपन बात करें बच्चों देखें कोइल के बारे में, तो अपन बात करें बच्चों जो भुजा आपके पास स्लोट में रहेगी, कोइल की जो भुजा स्लोट में रहेगी बच्चों उसे अपन क्या बोलेंगे सक्रिय भुजा बोलेंगे बच्चों। तो चौथी बात करें चौथा पॉइंट बात करें बच्चों सक्रिय भुजा या एक्टिव साइड, या एक्टिव साइड। कोइल का वह भाग या वह साइड होती है जो कि स्लोट में रहती है, जो कि आर्मेचर स्लोट में रहती है, आर्मेचर स्लोट में रहती है। तथा जिसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है सक्रिय भुजा कहलाती है, सक्रिय भुजा कहलाती है। ठीक बच्चों तो अपने बात की थी बच्चों जो भाग आपका कोइल का स्लोट में रहने वाला है या जो साइड जो आपकी स्लोट में रहने वाली बच्चों उसे अपन क्या बोलेंगे बच्चों एक्टिव साइड बोलेंगे। इसमें क्या पैदा हो बच्चों ईएमएफ पैदा हो। अब एक्टिव साइड तो बच्चों दूसरी बात करेंगे बच्चों इनएक्टिव साइड या असक्रिय भुजा, असक्रिय भुजा या इनएक्टिव साइड, इनएक्टिव साइड। अब देखिए बच्चों यह वह भाग हुआ जो आपका स्लोट में आपके पास नहीं रहता है, तो मैंने आपको भी बताया था बच्चों वाइंडिंग आपको पास कोइल बना के कि जो भाग आपका स्लोट में नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों तो जब भी अपन बनाएंगे बच्चों ये वाला जो भाग देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका स्लोट में नहीं रहेगा, जो भाग स्लोट में नहीं रहेगा बच्चों इसे अपन क्या बोलेंगे इनएक्टिव साइड। तो कोइल का वह भाग या वह साइड जो स्लोट में नहीं रहती है, में नहीं रहती है तथा जिसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है, बल उत्पन्न नहीं होता है असक्रिय भुजा कहलाती है, असक्रिय भुजा कहलाती है, असक्रिय भुजा कहलाती है। तो असक्रिय भुजा अपने पास क्या बच्चों जो आपके पास स्लोट में नहीं है। अब हम बात करें बच्चों कोइल के लीड, लीड होते हैं बच्चों आपके पास टर्मिनल, एक जैसे मैंने स्टार्टिंग एंड बताया था बच्चों, एक क्या बताया था बच्चों फिनिशर। तो कोइल प्रत्येक कोइल के पास क्या बच्चों वो दो टर्मिनल होंगे जो आपके पास क्या बाहर की ओर निकलते हैं वो आप क्या कहलाते हैं बच्चों कोइल लीड कहलाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों देखें कोइल लीड के बारे में, कोइल लीड, कोइल लीड के बारे में बात करें बच्चों देखें
किसी कॉइल से बाहर निकलने वाले वाले या बाहर आने वाले लिखने में जो आने वाले सिरे कोइल लीड कहलाते हैं, कोइल लीड कहलाते हैं। और प्रत्येक कोइल के अपने पास क्या पूछो, दो लीड होंगे। जैसे स्टार्टिंग एंड बताया था मैंने आपको, बताया था एक आपके पास क्या पूछो फिनिशर। प्रत्येक कोइल की दो लीड होती हैं, यानी सिरे हैं बच्चों, दो लीड होती है। तो कोइल के बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों, देखें सेकंड पार्ट में। तो कोइल अपने बात की थी बच्चों, यदि एक से अधिक टर्न दौड़ देंगे और अधिक जो इनके सिरे होंगे वो निकटतम कम्यूटेटर सेगमेंट से चयनित होंगे, जिसे कोइल कहलाएंगे बच्चों। जो स्लोट में रहेगा वो एक्टिव साइड, जो स्लोट से बाहर रहेगा उसे इनएक्टिव साइड। और कोइल एंड अपने पास क्या है बच्चों, दो सिरे, एक स्टार्टिंग एंड, एक फिनिश एंड, जो कि आपको क्या बाहर की ओर निकलते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों आप यहां तक। अब कोइल से बनेंगे बच्चों वाइंडिंग। कोइल से क्या बनेंगे अपने पास है वाइंडिंग। तो मैं आपको एक बार और डायग्राम से बता देता हूं बच्चों, देखें ताकि आपको ये शब्दावली अच्छे समझ में आ जाए बच्चों। और आपको शब्दावली समझ में आ जाती है बच्चों तो फिर वाइंडिंग बहुत आसान टॉपिक है आपके लिए। तो यहीं अपने को दिक्कत आती है बच्चों। तो देखें बच्चों, तो ये अपने पास बच्चों देखें, जो मैंने लास्ट में पढ़ा था बच्चों लीड के बारे में, तो ये जो सिरे हैं बच्चों, ये स्टार्टिंग एंड, ये अपने पास क्या बच्चों फिनिश एंड, ये तो दोनों हो गए बच्चों इसके लीड। कोइल के अपने पास क्या हो बच्चों लीड, ठीक है बच्चों। ये अपने पास हो गए बच्चों, देखें ये आपका जो भाग है और ये भाग, अगर मैं इसे ए बी सी डी लिखता हूँ बच्चों, तो ये अपने पास क्या हो बच्चों एक्टिव साइड होगी। ये अपने पास क्या हो बच्चों एक्टिव साइड। ये अपने पास जो भाग है बच्चों देखें, ये वाला भाग, ये आपका स्लोट में नहीं है, इसे अपन क्या बोलेंगे बच्चों इनएक्टिव साइड, इनएक्टिव साइड या असक्रिय भुज। अब देखें बच्चों नेक्स्ट, अगर बात करें बच्चों कोइल से बनेगी बच्चों आपकी वाइंडिंग, जैसे अपन बोलते हैं बच्चों कुंडली। अब देखें बच्चों, अगर अपन बात करें वाइंडिंग के बारे में कि वाइंडिंग क्या है, ठीक है बच्चों। तो यदि अपन एक से अधिक कोइल को श्रेणी में जोड़ दें बच्चों, एक से अधिक कोइल को अपन श्रेणी में जोड़ दें, तो वो निर्माण कहेंगे बच्चों देखें वाइंडिंग के बारे में। कैसे देखें बच्चों, ये सबसे पहले बच्चों अपने टर्न बनाया था बच्चों देखें, और टर्न में जैसे अपने एक से अधिक जोड़े बच्चों, तो ये अपने पास क्या हो गई थी बच्चों देखें कोइल हो गई थी, स्टार्टिंग एंड ये फिनिश। अब देखें बच्चों, यदि मैं एक कोइल और बना देता हूं बच्चों देखें यहां पे, ठीक है बच्चों, ये मैंने एक कोइल और बना दी बच्चों देखें, ये मैं कह रहा हूं बच्चों देखें थे एक नंबर कोइल, और ये अपने पास क्या हो बच्चों दो नंबर कोइल। अब देखें बच्चों, यदि मैं एक से अधिक कोइल जोड़ दूं, यानी मैं इस कोइल को, ये इसका स्टार्टिंग एंड था, ये इसका क्या था बच्चों फिनिश एंड, अगर मैं इसे जोड़ दूं बच्चों, यानी कोइल एक और कोइल दो को मैंने अब जोड़ दिया बच्चों, ये आपका लास्ट में क्या होगा बच्चों फिनिश एंड हो गया। तो अपन इसे क्या बोलेंगे बच्चों वाइंडिंग बोलेंगे। यानी यदि आप एक से अधिक टर्न्स जोड़ देते हैं बच्चों, तो वो एक से अधिक कोइल अगर आप जोड़ देते हैं बच्चों, तो उसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों वाइंडिंग बोलते हैं। तो समझ में आएगा बच्चों, देखें अब अपन क्या करेंगे, नोट करेंगे इसके बारे में, तो आप आसानी से समझ जाएंगे बच्चों, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। यदि एक से अधिक, यदि एक से अधिक
कोयल्स को श्रेणी में संयोजित कर दिया जाए, में संयोजित कर दिया जाए, कर दिया जाए, तो इसे वाइंडिंग कहते हैं, इसे वाइंडिंग कहते हैं। तो इसे वाइंडिंग कहते हैं। तो आपको अच्छे समझ में आ गया तो देखें, तो अपने पास वाइंडिंग में बच्चों तीन इकाई आ चुकी है। तीन इकाई का मतलब क्या था बच्चों, देखें अगर आपसे वाइंडिंग की सबसे छोटी इकाई पूछी जाएगी बच्चों तो वो अपने पास क्या बच्चों, टर्न। टर्न से अगर अपने पास बड़ी इकाई पूछी जाए तो वो अपने पास क्या बच्चों, कोइल। और कोइल से बड़ी इकाई पूछी जाएगी तो वो अपने पास क्या बच्चों, वाइंडिंग। टर्न अपने पास क्या बच्चों, दो चालक जोड़े तो टर्न बन गए, और दो से अधिक टर्न जोड़े तो कोइल बन गई, और दो एक से अधिक अपने पास टर्न जोड़े तो कोइल बन गई, और एक से अधिक कोइल जोड़ी तो अपने पास क्या बन गई बच्चों, वाइंडिंग बन गई। तो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है बच्चों कि निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है या सबसे बड़ी इकाई कौन सी, तो सबसे छोटी अपने पास टर्न है बच्चों, और सबसे बड़ी अपने पास क्या बच्चों, वाइंडिंग है। तो आपको अच्छे समझ में आ गया बच्चों, देखिए यहाँ तक। अगले बार नेक्स्ट में अपन बात करने जा रहे हैं बच्चों, देखिए पोल पिच के बारे में, पोल पिच के बारे में। ये पोल पिच क्या है देखते हैं बच्चों, पोल पिच। तो ज्यादातर अपन बच्चों क्रिकेट जरूर देखते हैं, ठीक बच्चों। अगर अपन सिंपल अगर अपन बात करें बच्चों, देखें पिच की बात करते हैं क्रिकेट की भाषा में, तो आपने पास क्या बच्चों, दो जगह अपने पास स्टंप लगाते हैं, और दो स्टंप के बीच की दूरी उसे अपन क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, ठीक बच्चों। दो स्टंप लगाते हैं तो अपना बीच की दूरी क्या बोलते हैं बच्चों, पिच बोलते हैं। जैसे अपन क्रिकेट की बात करें तो दो जो स्टंप है बच्चों, लेग स्टंप और ऑफ स्टंप जो आपके पास दूर रखते हैं, उनकी बीच की दूरी 22 वर्ग गज है। अब यहां अपने पास क्या बच्चों, देखिए पोल पिच यानी दो निकटतम पोल के बीच की दूरी, दो निकटतम पोल के बीच की दूरी पोल पिच कहलाती है बच्चों, इसे भी बोल सकते हैं। या अपन बात करें बच्चों, यदि अपन आर्मेचर की परिधि है उसमें ध्रुवों की संख्या से भाग देते हैं तो ये भी अपने पास क्या आ जाए बच्चों, पोल पिच आ जाए। तीसरी अगर अपन बात करें बच्चों, देखें कि यदि अपन कुल स्लॉट में ध्रुवों की संख्या का भाग दे दें तो भी आपको पोल पिच प्राप्त हो जाएगी बच्चों। और अगर अपन चौथी बात करें बच्चों, देखें यदि अपन कुल चालकों की संख्या में ध्रुवों का भाग दे दें तो भी आपके पास क्या बच्चों, पोल पिच आपको प्राप्त हो जाएगी बच्चों। यानी पोल पिच का मतलब होता है बच्चों, दो निकटतम असमान ध्रुवों की बीच की दूरी आपके पास क्या कहलाती है बच्चों, पोल पिच कहलाती है। तो आपको समझ में आ गया बच्चों, देखें यदि आपके पास देखें एक डायग्राम से मैं आपको बता देता हूं बच्चों, देखें अपने जो डीसी मशीन होती है बच्चों, देखें मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्शन के टाइम में उसकी जो संरचना होती है बच्चों वो हेट्रोपोलर होती है। हेट्रोपोलर का मतलब होता है बच्चों, देखें कि अगर आपके पास यहां एन पोल है बच्चों तो इसका जो निकटतम पोल होगा वो आपके पास क्या होगा बच्चों, एस पोल होगा। निकटतम अपने पास पोल क्या होगा बच्चों, एस पोल होगा। और इसका निकटतम पोल अपने पास क्या होगा बच्चों, वो अपने पास क्या होगा, एन पोल होगा। और इसका जो निकटतम पोल होगा वो अपने पास क्या होगा बच्चों, एस पोल होगा। इसे बोलते हैं बच्चों हेट्रोपोलर। अब देखें बच्चों ये आपकी आर्मेचर की परिधि होगी, कुल परिधि होगी बच्चों। अब अपने पास क्या बच्चों, चार पोल हैं। अगर अपन इस आर्मेचर परिधि में इन ध्रुवों की संख्या से भाग दे दें बच्चों तो आपको पोल पिच प्राप्त हो जाएगी। दूसरा मैंने आपको क्या बताया बच्चों, देखें ये जो दो निकटतम पोल है बच्चों, सेंटर से सेंटर लेते हैं बच्चों, इसका सेंटर बिंदु ये अगर अपन इनके बीच की दूरी की बात करें, इनके बीच की दूरी की बात करें तो ये भी आपके पास क्या होगा बच्चों, पोल पिच होगी, जिसे अपन क्या लिखते हैं बच्चों, वाई पी से दर्शाते हैं। तो दो निकटतम पोल के बीच की दूरी या अपने पास क्या करना है बच्चों, इनमें जो स्लॉट है बच्चों, ठीक है, इन दो पोल के बीच में जो स्लॉट की संख्या है वो भी आपके पास क्या कहलाती है बच्चों, पोल पिच। और स्लॉट के बीच रखे जाएंगे बच्चों आर्मेचर के चालक, यदि आपके पास आर्मेचर चालकों में कुल ध्रुवों की संख्या का भाग दे देते हैं बच्चों तो भी आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगी, पोल पिच प्राप्त हो जाएगी बच्चों। तो नोट करिए देखें बच्चों पोल पिच के बारे में, आपको समझ में आ गया बच्चों पोल पिच का। आर्मेचर की परिधि की परिधि को ध्रुवों की संख्या से भाग देने,
को ध्रुवों की संख्या की ध्रुवों को ध्रुवों की संख्या से भाग देने पर या दो निकटतम या दो निकटतम असमान ध्रुवों असमान ध्रुवों के बीच की दूरी पोल पिच कहलाती है। तो क्रिकेट वाली पिच तो बच्चों स्टंप के बीच की दूरी, यहां अपने पास क्या है पोल के बीच की दूरी, इसलिए बोल दिया अपने पोल पिच, पोल पिच कहलाती है। इसे वाईपी से प्रदर्शित किया जाता है, इसे वाईपी से प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है या दर्शाया जाता है। तो समझ आएगा वो तो देखें। अब देखें बच्चों आर्मों की आर्मेचर चालकों की संख्या, जो आपके पास आर्मेचर चालकों की संख्या होगी या आर्मेचर संख्या स्लॉट की संख्या प्रति ध्रुव, ये भी आपके पास क्या कहलाती है बच्चों पोल पिच कहलाती है। तो अपने पास इसके अलावा भी नोट कर सकते हैं बच्चों, देखें आर्मेचर चालकों की संख्या या आर्मेचर स्लॉट की संख्या प्रति ध्रुव भी पोल पिच कहलाती है ठीक बच्चों। तो अपन नोट कैसे करेंगे देखें बच्चों, वाई पी बराबर जेड बटा में पी, कुल चालकों की संख्या बच्चों, यदि अपन चालकों के रूप में लेते हैं तो चालकों के रूप में या चालकों के संदर्भ में लिख सकते हैं बच्चों, क्या होगा बच्चों ये पोल पिच होगी चालकों के रूप में। वाई पी बराबर एस बटा में पी, यानी कुल स्लॉट की संख्या एस कर दी बच्चों, ये अपने पास क्या हो बच्चों स्लॉट्स के रूप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक बच्चों तो यहाँ तक नोट कर लीजिए बच्चों, समझ आ रहा होगा बच्चों आपको अच्छे से। तो वाइंडिंग के बाद बात की बच्चों अपने पोल पिच के बारे में, ठीक है। आर्मेचर के प्रति किसे भाग देना है, ध्रुवों की संख्या से भाग देना है बच्चों आपको। और यदि आप पास दो निकटतम पोलों के या ध्रुव असमान ध्रुवों के बीच की दूरी लेंगे तो वो भी आपके पास क्या कहलाएगी बच्चों पोल पिच कहलाएगी। आर्मेचर चालकों की संख्या ले लीजिए बच्चों, आर्मेचर स्लॉट की संख्या प्रति ध्रुव ले लीजिए, ये भी आपके पास क्या कहलाएगी बच्चों पोल पिच। प्रदर्शित करेंगे वाई पी से जेड पी बटा में पी या स्लॉट्स बटा में पी, पी अपने पास क्या ध्रुवों की संख्या। एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे बच्चों ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किस प्रकार आपको पोल पिच निकालनी है। तो नोट कर लिया बच्चों आपने यहाँ तक, अच्छे से समझ पाए जाए बच्चों इसको। अब देखिए बच्चों एक उदाहरण लिख रहे हैं बच्चों, यदि ठीक बच्चों यदि आपके पास 48 चालक है 48 चालक हैं, यदि चालकों की संख्या तथा ध्रुवों की संख्या 4 हो तो पोल पिच होगी ठीक है बच्चों। तो आपके पास क्या दे दिया, कुल चालकों की संख्या कितनी दी बच्चों 48
और ध्रुवों की संख्या कितनी थी बच्चों? चार। तो कोल पिचरण मास का बच्चों वाई पी बराबर जेड बटा में पी 48 बाय 4 ठीक बच्चों। तो हमारे पास कोल पिच कितनी बच्चों? 12 ठीक बच्चों। यदि आपको क्या कर दे बच्चों कोइल दे दे और कोइल में क्या देते स्लोट दे दे बच्चों ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों यदि स्लोट की संख्या चौबीस हो तथा ध्रुवों की संख्या चार हो क्या चार हो तो पोल पिच होगी तो पोल पिच होगी ठीक है बच्चों। तो यहां से आप दूसरे फॉर्मूले से लगा सकते हैं बच्चों वाई पी बराबर अपने पास कर जो एस डिवाइड बाई पी कुल स्लॉट अपने पास कितने बच्चों 24 पोल अपने पास कितने बच्चों 4 ये अपने पास कितने होते बच्चों 6 ये स्लॉट के संदर्भ में बच्चों ये अपने पास क्या कुल चालकों के संदर्भ में। तो आपको अच्छे समझ में आ गया बच्चों देखें कि आपको पोल पिच किस प्रकार ज्ञात करनी है बच्चों। तो इस एग्जाम्पल से आप नोट कर लीजिए बच्चों देखें अब हम बात करें बच्चों देखें कि कोइल स्पान क्या होता है बच्चों। पोल पिच के बारे में हम बात कर चुके हैं बच्चों देखें अब बात करें बच्चों देखें कोइल स्पान के बारे में। स्पान अपने पास क्या बच्चों दूरी यानी कोइल के दो चालकों के बीच की दूरी कोइल स्पान स्पान बोलते हैं बच्चों प्रास को ठीक बच्चों। अब देखिए बच्चों मैं सिंगल टर्न कोइल की बात कर रहा हूं तो देखें ये अपने पास क्या बच्चों एक कोइल है बच्चों ये इसका पहला चालक और ये इसका क्या बच्चों अंतिम चालक इन दो के बीच में जितने भी आर्मेचर चालक आएंगे बच्चों उनकी जो दूरी होगी बच्चों वो अपने पास क्या कहलाती है बच्चों कोइल स्पान कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों कोइल स्पान बोलते हैं बच्चों या इसे क्या बोलते हैं कोइल पिच बोलते हैं या कोइल पिच बोलते हैं। तो एक बार और देखिए बच्चों देखें यानी एक साइड से आपके पास करंट जाता है बच्चों यहां से एक साइड से करंट आपका वापस क्यों रहा है बच्चों देखें यानी दो चालकों के बीच की दूरी इस कोइल के पहले चालक और अंतिम चालक के बीच की दूरी या दो भुजाओं के बीच की दूरी है वो आर्मेचर चालकों की संख्या के रूप में प्रदर्शित होती है बच्चों। तो ये अपने पास क्या कहलाती है बच्चों कोइल स्पान कहलाती है कोइल पिच कहलाती है। तो नोट करेंगे देखिए बच्चों इसके बारे में प्रदर्शित करेंगे इसे वाई एस से। कोइल की दो भुजाओं कोइल की दो भुजाओं कोइल की दो भुजाओं के बीच की दूरी जिसे आर्मेचर चालकों या आर्मेचर स्लोट्स की संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाता है कोइल पिच कहलाती है कोइल पिच कहलाती इसी के आधार पर बच्चों देखें फुल पिच वाइंडिंग होती है बच्चों एक शॉर्ट पिच वाइंडिंग होती है वो अपने ऐसी वाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे जो पढ़ेंगे बच्चों देखें प्रदर्शित करेंगे बच्चों इसे वाई एस से इसे वाई एस से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखें बच्चों कैलकुलेट कैसे करेंगे बच्चों देखें तो अगर अपन इसे लिखेंगे बच्चों वाई एस से ठीक बच्चों तो वाई पी जो हमारे बच्चों अपने पोल पिच ज्ञात की उसमें से आपको कोई एक फिक्स संख्या घटानी है बच्चों तो अगर आप उस फिक्स संख्या इसे घटाएंगे आपको पूरी पूरी संख्या प्राप्त हो जाए बच्चों ठीक बच्चों। तो अपने इसे किस प्रकार दिखाएंगे बच्चों देखें
जेड बटा में पी माइनस के। ये के अपने पास क्या बच्चों, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ताकि अपने पास क्या एक पूरी संख्या प्राप्त हो जाए। तो ये तो अपने पास क्या बच्चों, चालकों के रूप में। अभी अपने पोल पिच लिखा दिया बच्चों चालकों के रूप में, या वाई एस बराबर अपने पास क्या बच्चों, स्लोट्स बटा में पी माइनस की। ये अपने पास हो जाए बच्चों स्लोट्स के रूप में। ये के अपने पास क्या बच्चों, कोई एक निश्चित संख्या होगी जो अपन घटाएंगे, ताकि अपने पास के ये पूरी पूरी संख्या आपके पास प्राप्त हो। इंटीजर संख्या बोलते हैं बच्चों, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, इस प्रकार की कोई इंटीजर संख्या आपके पास प्राप्त हो जाए बच्चों। तो कोई पिच के बारे में आप नोट कर लीजिए बच्चों। अब हम बात करें बच्चों, देखिए बैक पिच और फ्रंट पिच के बारे में। तो पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए बच्चों, देखें इसके बारे में, कोयल पिच के बारे में। आशा कर रहा हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा है बच्चों। देखें अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों, देखें जहाँ पर भी आपके पास पिच वर्ड है बच्चों, वो आपके पास क्या हो गया, निश्चित दूरी, वो निश्चित दूरी होगी बच्चों आर्मेचर चालकों के रूप में या आर्मेचर स्लॉट के रूप में। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों, देखें फ्रंट पिच के बारे में। पहले अपन बात करें बच्चों बैक पिच के बारे में। बैक पिच के बारे में बच्चों, तो यदि आपके पास किसी कोयल का पहला चालक है बच्चों और अंतिम चालक है, ठीक है बच्चों, उसके जो बीच की दूरी होगी, जिसे अपन आर्मेचर चालकों के रूप में प्रदर्शित करेंगे बच्चों, उसे अपन बोलते हैं बच्चों बैक पिच। देखिए बच्चों किस प्रकार अपन बात करेंगे बैक पिच और फ्रंट पिच की। अब देखिए बच्चों, देखें ये कोयल का पहला चालक है बच्चों, देखें स्टार्टिंग एंड, ये आपके पास क्या बच्चों, देखें अंतिम चालक है जिसे अपन बोलेंगे बच्चों फिनिश है। मान लीजिए बच्चों, देखें कि ये पहला चालक संयोजित हो रहा है बच्चों, देखें आठवें चालक से जाके, ठीक है बच्चों, एक नंबर संयोजित हो रहा है बच्चों आपके पास आठ से जाके। अब देखिए बच्चों, जो आपके पास इस साइड में पास कम्यूटेटर होगा बच्चों, कम्यूटेटर का जो पिछला भाग होता है बच्चों उसे बोलते हैं बैक, ठीक बच्चों। तो ये आपके पास, ये तो फ्रंट हो जाएगा बच्चों, ये अपने पास क्या बच्चों बैक, ठीक है बच्चों। तो ये जो सिरा बच्चों, एक जैसे आठ से चौथे बच्चों, देखें तो ये कोयल का अंतिम सिरा, ये कोयल का पहला सिरा। अब इसके बीच में जितने आर्मेचर चालक रखे जाएंगे बच्चों, वो आपके पास क्या कहलाएगी बच्चों, बैक पिच कहलाएगी। यानी बैक पिच अपने पास क्या बच्चों, देखें जो इसे अपन प्रदर्श करेंगे वाई बी से। अब यहाँ वाई बी का मान अपने पास क्या बच्चों, आठ में से अगर मैं एक घटा देता हूँ बच्चों, तो ये अपने पास क्या बच्चों सात हो जाएगा। यानी इनके बीच में कितने चालक हो बच्चों, देखें आठ में से एक घटा दें तो इनके बीच में छह चालक अपने पास एक होंगे, पहले से ऐसे हुए थे और आठ में ऐसे हुए थे। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी बैक पिच होगी। और बैक पिच अपने पास क्या बच्चों, कम्यूटेटर के पीछे वाला भाग, यानी वाइंडिंग के पीछे वाला भाग, ये भाग आपका बच्चों कम्यूटेटर से संयोजित नहीं होता है। तो बात करेंगे बच्चों, देखें बैक पिच के बारे में वाई बी। किसी कोयल के किसी कोयल के अंतिम चालक वह पहले चालक के बीच आर्मेचर चालकों की संख्या आर्मेचर चालकों की संख्या की संख्या बैक पिच कहलाती है। इसे वाई बी से प्रदर्शित करते हैं से प्रदर्शित करते हैं, ठीक बच्चों। तो वाई बी अपने पास क्या हो जाए, देखें कोयल के अंतिम चालक की संख्या मैं से अपन घटा दें बच्चों कोयल के पहले चालक की संख्या,
चालक की संख्या को अपन घटा देते हैं बच्चों, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, वाई बी प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार बात करें बच्चों देखें फ्रंट पिच के बारे में, तो पहले आप नोट कर लीजिए बच्चों देखें बैक पिच के बारे में अपने क्या पढ़ा बच्चों देखें, अंतिम चालक और पहले चालक का जो बीच का अंतर है बच्चों, उसके बीच जितने भी आपके पास आर्मेचर चालक होंगे उससे अपन प्रदर्शित करेंगे बच्चों वाई बी से, ठीक है बच्चों। अब हम बात करें बच्चों देखें फ्रंट पिच के बारे में, नोट कर लीजिए इसको। यदि अपन बात करते हैं बच्चों देखें फ्रंट पिच के बारे में, फ्रंट पिच यानी ये बात कॉम्पिटेटर से समझते हो बच्चों देखें, सामने फ्रंट पिच प्रदर्शित करें बच्चों वाई एफ से। अब देखिए बच्चों इसको अपन किस प्रकार समझते हैं, देखें बच्चों अभी मैंने आपको बताया, देखिए बच्चों इस एक नंबर को मैंने संयोजित कर दिया था बच्चों आठ से, इस एक नंबर को मैंने संयोजित कर दिया बच्चों आठ से। अब देखिए बच्चों ये कोयल का अंतिम चालक हो गया, पहली कोयल का क्या हो बच्चों, ये अंतिम चालक हो गया, ठीक बच्चो यानी फिनिश होगा बच्चों। अब आप क्या करेंगे बच्चों देखें दूसरी कोयल लेंगे बच्चों, ये मैंने क्या किया बच्चों देखें दूसरी कोयल स्टार्ट कर दी बच्चों देखें, अब ये इसका क्या हो बच्चों स्टार्टिंग एंड होगा, ये अपने पास क्या हो बच्चों, अब इनके जो बीच की दूरी है बच्चों देखें इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, अब देख लें बच्चों देखें जो दूसरी कोयल का जो चालक है ये मान लीजिए बच्चों तीन नंबर पे है, तो इनके जो बीच की दूरी है बच्चों देखें इसे समझ करें बच्चों वाई प्रदर्शित करें वाई एफ से, तो वाई एफ अपने पास क्या देखें पहली कोयल का अंतिम चालक व दूसरी कोयल का पहले चालक के बीच की दूरी, ये देखें बच्चों ये इसका क्या हो बच्चों फिनिश एंड था, ये अपने पास क्या हो बच्चों स्टार्टिंग एंड, तो पहली कोयल का अंतिम चालक व दूसरी कोयल का पहला चालक इन दोनों के बीच की दूरी है बच्चों वो आपके पास क्या कहलाएगी बच्चों फ्रंट पिच कहलाती, तो यहाँ पे फ्रंट पिच का मान अपने पास क्या हो बच्चों देखें वाई एफ बराबर पर क्या लिखेंगे आठ माइनस तीन बराबर अपने पास कितना बच्चों पाँच, तो आपको समझ में आ रहा है बच्चों देखें, तो एक बार और बता दें बच्चों पहली कोयल का अंतिम चालक और दूसरी कोयल के पहले चालक के बीच की दूरी क्या कहलाती है बच्चों आपको फ्रंट पिच कहलाती है, तो नोट करिए बच्चों देखें यहाँ से किसी कोयल के अंतिम चालक किसी कोयल के अंतिम चालक व अगली कोयल के पहले चालक के बीच आर्मेचर चालकों की संख्या आर्मेचर चालकों की संख्या फ्रंट पिच कहलाती है, फ्रंट पिच कहलाती है, ठीक है बच्चों प्रदर्शित करेंगे इसे इसे वाई एफ से प्रदर्शित किया जाता है प्रदर्शित किया जाता है, तो अपने पास क्या होगा बच्चों देखें वाई एफ की अगर बात करेंगे तो वाई एफ अपने पास क्या होगा देखें पहली कोयल के अंतिम चालक की संख्या में से घटा दें दूसरे कोयल के पहले चालक की संख्या ठीक है तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगी बच्चों फ्रंट पिच आपको प्राप्त हो जाएगी, तो नोट कर लीजिए बच्चों आपके यहां तक।
अगली बात करें मुझे देखें अपना एवरेज पिच के बारे में, औसत पिच के बारे में। औसत पिच तो जहां भी पिच आएगा उन बच्चों देखें अपन, दूरी की बात करें मुझे देखें। अब देखिए बच्चों अपने पास जो फ्रंट पिच है औसत पिच है उसका जो औसत है बच्चों वो आपके पास क्या कहलाती है, औसत पिच कहलाती है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर्मेचर वाइंडिंग में, आर्मेचर वाइंडिंग में फ्रंट पिच यानी वाई एफ व बैक पिच पिच वाई बी का औसत एवरेज पिच कहलाती है, एवरेज पिच कहलाती है, एवरेज पिच कहलाती है। इसे परिष्कार में तो इसे वाई एवरेज से प्रदर्शित किया जाता है, से प्रदर्शित किया जाता है। तो वाई एवरेज बराबर हो गया बच्चों वाई बी प्लस वाई एफ डिवाइड बाय टू। तो नोट कर लीजिए बच्चों आप यहां तक, तो औसत पिच के बारे में नोट कर लिया बच्चों अपने, फ्रंट पिच के बारे में अपन नोट कर लिया। अब हम बात करें बच्चों देखिए परिणामी पिच के बारे में, जिसे अपन बोलेंगे रिजल्टेंट पिच। अब देखिए बच्चों समझते हैं इसको, परिणामी पिच क्या होगी अपने पास बच्चों, और लास्ट अपने पास बचेगा बच्चों कम्यूटेटर पिच के बारे में। तो शब्दावली अपने पास कंप्लीट हो जाएगी बच्चों। देखिए अब देखिए बच्चों अपने पास बात करें बच्चों परिणामी पिच, परिणामी पिच प्रदर्शित करते हैं बच्चों इसे वाई आर से, रिजल्टेंट पिच बोलते हैं बच्चों। देखें अब देखिए बच्चों अभी अपने जो वाइंडिंग बनाई थी उसी से बात करें बच्चों, देखें किस प्रकार बात करेंगे इसके बारे में। ये आपका पहला सिरा था बच्चों, देखें एक नंबर सिरे तो बच्चों आपका आठ से बैक साइड से, तो वाई बी अपने पास प्राप्त होती बच्चों सात। ये तीन नंबर आपका जो फ्रंट था बच्चों वो आपका यहाँ बैक से जुड़े था बच्चों आठ से, ठीक है बच्चों। और ये आपका आगे चला जाएगा बच्चों, देखें वापस दस पे चला जाएगा बच्चों। अब देखें बच्चों अगर अपन परिणामी पिच की बात करें, देखें ये जो दो कोइल साइड हैं बच्चों, जो निकटतम दो कोइल साइड होंगे बच्चों उनके जो बीच की दूरी होती है बच्चों वो आपके पास कहलाते हैं परिणामी पिच। अब देखें बच्चों परिणामी ये अपने पास तीन नंबर चालक होंगे, ये अपने पास एक नंबर चालक, इसे बोलेंगे बच्चों वाई आर। तो वाई आर का मतलब क्या होगा बच्चों, तीन में से अगर आप घटा देंगे एक तो वाई आर का जो मान प्राप्त हो जाएगा बच्चों दो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अपने पास क्या बच्चों दो प्राप्त हो जाएगा, या अपन क्या लिखते हैं बच्चों जो वाई आर अपन लिखते हैं बच्चों वो उसे अपन लिखते हैं बच्चों वाई बी माइनस वाई एफ, वाई बी माइनस वाई एफ। अब देखें बच्चों यहाँ वाई बी का मान अपने पास कितना था बच्चों, देखें सात, और वाई एफ का मान कितना बच्चों पाँच, तो भी अपने पास कितना प्राप्त हो रहा है बच्चों दो प्राप्त हो रहा है। यानी जो निकटतम आपके पास कोइल है बच्चों या कोइल साइड है उनके बीच की दूरी आपके परिणामी पिच कहलाती है। तो नोट करेंगे बच्चों, देखें समझ में आ गया बच्चों आपको। यह शुरू की दो, यह शुरू की दो पास पास की, यानी निकटतम होगी बच्चों पास पास की कोइल साइड्स की बीच की दूरी होती है, के बीच की दूरी होती है, बीच की दूरी होती है। y r बराबर अपने पास क्या हो जाए बच्चों वाई बी माइनस वाई एफ, तो फॉर्मूला अपने पास क्या हो बच्चों वाई आर बराबर हो गया बच्चों वाई बी माइनस वाई एफ।
अब देखिए बच्चों, ये तो होगी अपना परिणामी पिच। अब हम बात करें बच्चों कम्यूटेटर पिच की। कम्यूटेटर पिच प्रदर्शित करेंगे बच्चों अपना वाई सी से। देखिए बच्चों इसके बारे में बात करेंगे अपन, कैसे अपन देखेंगे इसके बारे में। अब देखिए बच्चों, देखें कि आपके पास जितनी भी आपके पास आर्मेचर कोइल होंगी वो आपकी संयुक्त होंगी बच्चों स्लोट्स पे। ये आपके सेगमेंट बने हुए बच्चों, देखें स्लोट। ये आपके पास क्या बच्चों कम्यूटर आपके सेगमेंट बने हुए बच्चों। ये आपका एक नंबर सेगमेंट, ये आपके पास क्या बच्चों दो नंबर। यहां से आपके पास दूसरी कोइल स्टार्ट हो जाए बच्चों, देखें ये कोइल नंबर एक, ये कोइल नंबर पास क्या बच्चों दो। इसी प्रकार आगे तीसरी कोइल स्टार्ट हो जाए बच्चों, देखें। अब देखिए बच्चों, यह उन दो सेगमेंट के बीच की दूरी होगी जिनके कोइल, जिनमें कोइल के दो सिरे जोड़े जाते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां आपके पास कोइल के दो सिरे जुड़े बच्चों, देखें ये आपका इसका क्या था बच्चों पहला सिरा। अगर आप दो में से एक घटा देंगे बच्चों, ये सिंप्लेक्स वाइंडिंग बच्चों, देखिए अगर आप दो में से दूसरे में से एक घटा देंगे तो आपके पास क्या प्राप्त हो बच्चों कम्यूटेशन वाई सी प्राप्त हो जाएगी। तो दो में से एक घटा दो तो कितनी प्राप्त हो बच्चों आपके पास एक। यानी जहाँ आपके पास कोइल साइड के दो सिरे जुड़े हो जाएंगे बच्चों, उनके जो बीच की दूरी है बच्चों वो आपके पास क्या कहलाती है बच्चों कम्यूटेशन पिच कहलाती है। इसे प्रदर्शित करते हैं बच्चों वाई सी से। तो नोट करें, देखें बच्चों यह उन दो सेगमेंट्स, उन दो सेगमेंट्स के बीच की दूरी होती है के बीच की दूरी होती है जिसमें कोइल के दोनों सिरे जुड़े जाते हैं, कोइल के दोनों सिरे सिरे जोड़े जाते हैं। इसे YC से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए बच्चों, जो इस YC का मान होगा वो आपके पास वाइंडिंग के प्रकार पे होगा, ठीक है बच्चों। तो YC बराबर एक होगा जब आपके पास वाइंडिंग क्या होगा बच्चों सिंप्लेक्स होगी, यानी प्रत्येक स्लोट में एक चालक आपके पास रखा गया। तो सिंप्लेक्स वाइंडिंग के YC बराबर एक। यदि एक स्लोट में दो चालक रखे जाएंगे तो YC बराबर कितना बच्चों दो। इसे बोलेंगे बच्चों डुप्लेक्स के लिए, फॉर डुप्लेक्स वाइंडिंग। YC बराबर तीन कब होगा बच्चों, जब एक स्लोट में तीन चालक रखे जाएंगे, इसे बोलेंगे बच्चों ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग। और यदि एक स्लोट में चार चालक रखे जाएंगे बच्चों तो उसे बोलेंगे क्वाड्रेक्स क्वाड डुप्लेक्स वाइंडिंग, क्वाड डुप्लेक्स वाइंडिंग। तो YC का मान एक जब सिंप्लेक्स वाइंडिंग, यानी एक चालक, दो के लिए दो, तीन के लिए तीन और चार के लिए चार। तो कम्यूटेटर पिच के बारे में और परिणाम पिच के बारे में नोट कर लीजिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, अपने पास जो वाइंडिंग होती है वो दो टाइप की होती है बच्चों। एक आपके पास होगी प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, दूसरी अपने पास होगी बच्चों रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। तो उसके बारे में और बता देता हूँ। नेक्स्ट अपन जो वाइंडिंग के प्रकार है अगले पार्ट में पढ़ेंगे बच्चों, देखें। क्योंकि आज अपने केवल शब्दावली के बारे में अपने बात की बच्चों। जब अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी बच्चों तो आप वाइंडिंग आसानी से कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट करें बच्चों, देखें वाइंडिंग के जो दो प्रकार हैं अपने पास, देखें एक तो प्रोग्रेसिव, दूसरा अपने पास क्या बच्चों रिट्रोग्रेसिव। ये कब होगी, प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। अब देखिए बच्चों, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग तब होगी बच्चों, इसके लिए हमारे पास क्या बच्चों कंडीशन है। यदि आपके पास YB का मान YF से ज़्यादा है, यानी बैक पिच का मान YF से फ्रंट पिच से ज़्यादा है, तो आपके पास वाइंडिंग क्या होगा बच्चों प्रोग्रेसिव होगी। अब जब आपके पास वाइंडिंग प्रोग्रेसिव हो बच्चों, तो वाइंडिंग आपके हमेशा
लेफ्ट से राइट की ओर स्टार्ट होगी, यानी लेफ्ट सिरे से चलेगी बच्चों और राइट की ओर आपके पास बढ़ती चली जाएगी। तो ये वाइंडिंग आपके पास स्टार्ट होगी बच्चों, देखें लेफ्ट टू राइट, जैसे अभी अपने देखें बच्चों, एक को अपने क्या स्विच किया था, आठ से वापस अपन आए आठ से तीन पे, तीन को स्विच कर देते अपन दस से, यानी वाइंडिंग आपकी चली थी बच्चों लेफ्ट से राइट की ओर। तो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए आपको इतना याद रखना है कि अगर आपके पास फ्रंट पिच बैक पिच का मान फ्रंट पिच से ज़्यादा है तो वाइंडिंग क्या होगी बच्चों प्रोग्रेसिव, और वाइंडिंग चलेगी लेफ्ट टू राइट की ओर। और अगर हम बात करें बच्चों रिट्रोग्रेसिव के लिए, रिट्रोग्रेसिव इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा बच्चों, रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग, अगर वाइंडिंग रिट्रोग्रेसिव हो बच्चों देखें तो रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में ये कंडीशन आपके पास उल्टी हो जाएगी बच्चों, यानी वाई एफ विल बी ग्रेटर देन वाई बी, यानी बैक पिच का मान आपके पास क्या है बच्चों फ्रंट पिच का मान बैक पिच से क्या होगा बच्चों ज्यादा होगा, तो वाइंडिंग स्टार्ट होगी बच्चों राइट टू लेफ्ट, यानी आपकी वाइंडिंग इस सिरे से स्टार्ट होगी बच्चों और इस सिरे की ओर चलेगी, यानी मेरे पास क्या बच्चों देखें बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर चलेगी, ठीक है बच्चों, ये वाइंडिंग हमारे पास स्टार्ट होती है बच्चों लेफ्ट टू राइट, ये वाइंडिंग हमारे पास स्टार्ट होगी बच्चों राइट टू लेफ्ट, यानी इस हाथ से स्टार्ट होगी बच्चों खत्म इस साइड होगी, और ये वाली स्टार्ट होगी बच्चों बाएं से दाएं की ओर। तो ये दो टाइप के पास वाइंडिंग बने बच्चों, प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। कंडीशन आपके पास मैंने बता दी वाई बी ग्रेटर देन वाई एफ, वाई एफ ग्रेटर देन वाई बी। तो आज अपने इतने ही पढ़ेंगे बच्चों शब्दावली जो है, कल अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों लेफ्ट वाइंडिंग के बारे में और वे वाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, कंप्लीट पढ़ेंगे इसके बारे में, तब तक आप टर्मिनोलॉजी को ढंग से पढ़ लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।